भीषण वर्षा से जो हमारा मकान पूरा बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम उसकी वजह से जल्द भागे, सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं और हमारा इसी जो कपड़े भी पहने इसी हालत में हम रात भर से, ना हमारे पास रहने के लिए कहीं ज़मीन है ना कोई मकान है। सरकार द्वारा यही मेरी गुहार है कि हमें कहीं भूमिहीन ज़मीन दिलाई जाए और अच्छा अच्छा मुआवजा दिला जाए जिससे कि हम अपना नया मकान बना सके। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो है भू कटाव हुआ है और उसमें 5 मकान जो है नदी में समा गए हैं और उसके अलावा जो 3 मकान उससे बगल में लगे हुए थे वो भी खतरे के निशान के जल में आ गए हैं। उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पे समस्त विभागीय अधिकारियों को बुलाते हुए उन सभी परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया है और हेतु राशि का वितरण किया हुआ है। जो मकान का क्षति हुआ है उसका आकलन करते हुए 24 घंटे के अंदर तहसीलदार साहब के माध्यम से जो है उनको भी मुआवजा राशि वितरित कर दी जाएगी। वर्तमान में जो इस क्षेत्र में भू कटाव हुआ है उससे अन्य 30 मकान भी ऐसी श्रेणी में आ गए जिसमें कि उन खतरे के दब में हम मान सकते हैं और भविष्य में उनको भी इससे बचाने का हमें कार्रवाई करना पड़ेगा।